fight for my attention, for your ascension, you must rule. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ मैं एक टॉपिक पर डिस्कस करना चाह रहा हूं। अभी गाड़ी फ़िलहाल नहीं ली है, तो उसमें कोई भी अभी तक मॉडिफिकेशन नहीं करा है, तो मॉडिफिकेशन के लिए अभी एज सच मैंने कुछ सोचा नहीं है। बट मैंने एक अमेज़ॉन पर एक स्टिकर देखा था उसके मॉड के लिए, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि चलो उस पर एक वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो ये वो स्टिकर है जो मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है, और ये मेरे को अमेज़ॉन पे पड़ा है लगभग 99 रुपये के आसपास, 99 रुपीज़ का। ये बेसिकली जो स्टिकर है ये हमारा लगेगा यहाँ पे, इस जगह पे, यहाँ मैं सोच रहा हूँ लगाने के लिए। तो ये बेसिकली कार की जो हमारी हेडलाइट है उसकी एज ए आईब्रो की तरह काम करेगा। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये स्टिकर लगाने का प्रोसेस क्या है। पहले आप लोग एक माइक्रोफाइबर टॉवल ले लें, गाड़ी को अच्छे साफ़ कर लें। मैं एक्चुअली गाड़ी को साफ़ कर चुका हूँ, पहले धो चुका हूँ, और ये कपड़ा थोड़ा गीला है, तो जहाँ जिस सरफेस पे आपको लगाना है आप उसको पहले अच्छे से क्लीन कर लें। ये एक्चुअली क्लोथ जो है वो थोड़ा मेरा गीला है, ये इस पोजिशन पर लगेगा स्टिकर। इसको आप पहले अच्छे से साफ़ कर लें ताकि कोई डर्ट वगैरह ना हो, क्योंकि डर्ट होगा तो स्टिकर जो है अच्छी तरह से अलग नहीं होगा और वो बाद में उतरने के चांसेस रहेंगे उसके। ये अभी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है इसको, अभी इसको सूखने देता हूँ थोड़ा सा। अभी जैसे सूख गया है तो आप इस पर थोड़ा सा कोलिन की सहायता से इसको थोड़ा और क्लीन कर लें ताकि कोई भी डर्ट का कोई रूम ना रहे। अभी ये बिल्कुल अच्छी तरह साफ़ हो चुका है, यहाँ पर देखिए। अभी मैं इसी पोजीशन को क्लीन कर रहा हूँ क्योंकि बेसिकली स्टिकर जो हमारा लगेगा वो यहीं पे लगेगा। अभी जैसे हमने यहाँ गीला कपड़ा कॉलिन मार के साफ़ किया था, तो सूखे कपड़े से, माइक्रोफाइबर टॉवल से, क्लॉथ से आप इसको एक बार और क्लीन कर लीजिए ताकि अच्छी तरह जो हमारी सरफेस है वो सूख जाए। अभी हमारी सरफेस पूरी अच्छी तरह क्लीन हो चुकी है, अब हम इस पर ट्राई करते हैं स्टिकर लगाने की। अभी हम थोड़ा रख के देख लेते हैं किस पोजीशन में हमारा स्टिकर जो है सही रहेगा, किस डायरेक्शन में सही रहेगा। तो ये पोजीशन मुझे इसकी सही लग रही है। तो अभी जैसे ही ये स्टिकर है हमारा, तो इसमें एक ये दिया हुआ है वाइट पेपर, इसको आप हल्का सा ऐसे करके निकाल लीजिए। ये इसको निकालने का एक तरीका है, इसको जब आप लगाएं निकालें तो इसको बड़े प्यार से निकालें ऐसे करके धीरे धीरे, क्योंकि ये जो स्टिकर है मेनली ये इसके ऊपर स्टिक है, इस फिल्म के ऊपर, तो हमें ये धीरे धीरे से हमें निकालना है। अगर आपको जैसे भी लगे कि स्टिकर नहीं निकला तो उसको वापस वहीं पेस्ट कर दो, मतलब एक एक अल्फ़ाबेट हमें उस पर क्लियरली हमें निकालना है इस स्टिकर पे से। इस अब ये सारा स्टिकर है हमारा इस फिल्म के ऊपर अच्छी तरह आ चुका है। देखिए इसको आप लगा दीजिए यहाँ। इसको लगाने का तरीका ये है कि इसको धीरे धीरे प्लेस करें। अगर आपके पास कोई कार्ड हो तो कार्ड की हेल्प से आप इसको ऐसे प्लेस कर दिए। अगर आपको लगे कि एयर बबल है तो वो उसको इस कार्ड की हेल्प से आप थोड़ा बाहर निकाल दीजिए, इसमें एयर बबल्स नहीं रहने चाहिए। क्लोज से हमने लिया था उसी से आप हल्का हल्का इसको एक बार दबा दीजिए ऐसे करके। देखिए इसको 2-3 मिनट हो गया, मैंने इसको छोड़ दिया, अभी हाथ के हाथ नहीं उतरा था। अभी यहाँ से मैं धीरे धीरे इसको निकालूंगा, लेकिन आप बड़े केयरफुल तरीके से निकालना। जो आपको लगे कि अच्छी तरह नहीं प्लेस हो रहा है उसको अच्छी तरह दबा के फिर आप इसको निकालिएगा। ये देखिए
धीरे धीरे स्लोली स्लोली। जो उसकी एजेस हैं उसको थोड़ा पहले दबाइए क्योंकि वहीं से स्टार्ट होता है। जैसे ये है, यहाँ से इसको अच्छी तरह प्रेस करो, ये दबिए और ये रेडी। अब आप देखिए इसका कैसा लुक आ रहा है। देखिए स्टिकर लगाने से लुक काफ़ी अच्छा, मतलब एक स्पोर्टीनेस थी गाड़ी में थोड़ी आई है। ज़्यादा मॉडिफिकेशन भी नहीं किया और एक सिंपल सोबर सा मोड किया है गाड़ी में और काफ़ी अच्छी लग रही है गाड़ी। चलो गाइस मैं वीडियो को एंड करता हूँ। होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।